इट्स सच अ ग्रेट अचीवमेंट, तो हमारा इतना तो फर्ज बनता है। क्या क्या दिखा रही हो मम्मी नीचे देखो यहाँ पे क्या साबुन जो शरीर में लगाते हो ना वही यहाँ भी लगा लो, काम चल जाएगा। साथ तुम्हारा सुख छीना गया, देखो बहन के कौन आता है भाई बहन पे। Hi guys, good morning, welcome back to another vlog. Hope you all are doing absolutely fine. सुबह के बज रहे हैं 9:30 और पंडित जी हमारे आ चुके हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको पूजा दिखाती हूँ और ये रहा साथ। साथ हेलो कर दो। चलिए मैं पूजा दिखाती हूँ सबसे पहले आपको। मैंने पार्सल रिटर्न किया था वो मीशो का जो एक येलो कलर का नाइट सूट था मैंने आपको बताया था, वो मेरा रिप्लेस होके आ गया है। चलते हैं उसको खोल के देखूंगी कि सही है कितना साइज उसका या कितना नहीं। अगर साइज ठीक रहेगा तो आज उसको वॉश कर दूंगी क्योंकि मैं बिना वॉश किए कपड़े नहीं पहनती। साथ में मम्मा क्या करने जा रहे हैं? साथ क्या करने जा रहे हैं? ब्रश करने जा रहा है। साथ जर्म से फाइट करेगा। कैसे फाइट करते हैं जर्म से बेटा? हाँ, नाई नाई भी करेंगे, पहले ब्रश करेंगे फिर नाई नाई करेंगे। जर्म से कैसे फाइट करते कैसे करते हैं? फाइट करेंगे हम जर्म से। चलिए ब्रश करने चलते हैं साथ को लेके। साथ की सीढ़ी और साथ की शैतानी, बेसिन मिलते ही पानी चलाना शुरू। मेरा नहाना धोना हो गया है, साथ का भी हो गया और बाहर का मौसम देखिए, कभी धूप कभी छांव। अभी तेज धूप है ना, थोड़ी देर पहले एकदम अंधेरा था, यही अभी बाहर का मौसम। लंच कर लिया मैंने और ये रहा वो येलो वाला मेरा नाइट सूट जिसका मैं काफी टाइम से वेट कर रही। अच्छा साइज में ना ये बड़ा कभी कभी गुस्सा आता रहता है जब साइज नहीं मिलता है ना आपको आपके अकॉर्डिंग। आओ एक्सेल, मैंने डबल एक्सेल ऑर्डर किया था यार, चूंकि ये कॉटन है ना तो ये थोड़ा सा श्रिंक होगा, आधा इंच तो जरूर श्रिंक होगा, इसलिए मैंने डबल एक्सेल ऑर्डर किया था ताकि बहुत लूज लूज सा रहे, घर में पहनने में कंफर्टेबल हो। फिर ये एक्सल कैसे आ गया है यार, मैं चेक करती हूँ इसको, फिर इसको रिटर्न करना पड़ेगा लगता है मुझे। ये मैंने ना ट्राई किया अभी, आई थिंक ये परफेक्ट है साइज इसका। मैंने डबल एक्सल ऑर्डर किया था बट अभी मैं चेक कर रही थी तो वहाँ पे डबल एक्सल अवेलेबल नहीं था, शायद यही कारण था कि उन्होंने मुझे एक्सल ही भेज दिया है। बट ये परफेक्ट है, अगर ये बहुत श्रिंक नहीं करता है तो ये कंफर्टेबल रहेगा। मुझे क्या है ना, मैं घर में बहुत लूज कपड़े पहनना पसंद करती हूँ, बहुत लूज कपड़े, मुझे लूज कपड़े बहुत पसंद आते हैं और मुझे कंफर्टेबल भी लगता है लूज पहनना थोड़ा। तो ये मैं सोच रही थी कि कहीं ये श्रिंक ना करे क्योंकि मम्मी का कहना है कि ये थोड़ा सा श्रिंक करेगा, एटलीस्ट आधा इंच तो ये जरूर श्रिंक करेगा। तो अगर आधा इंच तक करता है तो कोई बात नहीं, बट अगर एक इंच से ज्यादा करेगा श्रिंक, क्योंकि वो भी कभी कभी पॉसिबल है किसी किसी कपड़ों में, वो भी मेरे साथ एक दो बार हो चुका है, तो अगर उतना ज्यादा अगर श्रिंक करेगा तब शायद ये प्रॉब्लम कर सकता है मेरे लिए, तब देखा जाएगा। अभी के लिए तो मैं इसको रख लेती हूँ क्योंकि मुझे पसंद आ रहा है, कपड़ा बहुत अच्छा है इसका, फैब्रिक जो है इसका कॉटन ना बहुत अच्छा है, एकदम प्योर कॉटन लग रहा है मुझे, अभी वॉश करने के बाद एग्जैक्ट कंडीशन पता चलेगा। साथ के बोपू का आवाज आप लोग सुन रहे होंगे, साथ चालू है अपना कार लेकर बजाने में और लंच किए हम लोग को, हो गया थोड़ा टाइम तो अब थोड़ी देर के बाद मैं बनाऊंगी चाय। कितना बज रहा है? 12:30 हो रहा है, मैं बनाऊंगी चाय और उसके बाद चाय पीने के बाद मैं जाऊंगी आज वाला व्लॉग एडिट करने के लिए। और कुछ कर लिया है मैंने इसका काम, आधा से ज्यादा हो चुका है, बस थोड़ा सा फिनिशिंग बाकी है, वो करूंगी और अपलोड करूंगी। कल रात में पता है 12:30 रात में छोटी ने नमकीन बनाया है, कल रात में उसको आते के साथ ही मन कर गया कि मुझे नमकीन बनाना है, तो रात के 12:30 तक जग के बेचारी ने अकेले बनाया है, ये अकेले 99% काम उसने अकेले किया है, 1% मम्मी का हेल्प लिया था, बस अकेले बनाया है। और आई थिंक शायद उसने पहली बार खुद से बनाया और ये बहुत टेस्टी बनाया है, अल्टीमेट बनाया है, मतलब इतना टेस्टी तो मैं नहीं बना सकती जितना टेस्टी उसने बनाया, जबकि मैंने तो बहुत बारी बनाया है बट फिर भी मुझसे इतना यमी नहीं बनता है जितना टेस्टी ये बना है, मुझे बहुत पसंद आया है। माँ को चोट लगी है, चलो पहले हम लोग बांध देंगे माँ को बैंडेज। हाँ पैर में बैंडेज बांध देंगे माँ को, चोट लगी है। हाँ जल्दी बांध, तुम हटो हम बांधते, तुम हटो बैंडेज, मम्मा बांधेगी, तुम हटो। हाँ घाव हो गया है ये, मम्मी मेरी धूप देखते कपड़े फैलाने और पलटने में लग जाती है बेचारी, ना जादू की तरह मम्मी मेरी धूप की भूखी है, जादू की तरह, जैसे जादू चार्ज होता है ना धूप में वैसे मेरी
मम्मी को भूख लगती है। क्या क्या दिखा रही हो मम्मी, नीचे देखो यहाँ पे क्या था। सारा ही कपड़ा लेके चली आई है। ये हाफ ड्राई हो चुका है बाल मेरा, अब मैं लगाऊंगी सिरम। बिना सिरम के तो बालों में काम नहीं चलता, लंबे बालों में बहुत खर्चे हैं भाई साहब। शैम्पू करो, ऑयल लगाओ, सिरम लगाओ, मास्क लगाओ, बहुत खर्चे हैं। महीने का 1000-2000 रुपया तो बालों पे खर्च हो जाता है भाई साहब। इससे बढ़िया एकदम छोटे छोटे बाल रखो, कोई समस्या नहीं। साबुन जो शरीर में लगाते हो ना, वही यहाँ भी लगा लो, काम चल जाएगा। बट हमारे साथ नहीं हो सकता। ट्रीटमेंट के बाद तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ये मत लगाओ, वो मत लगाओ, ऐसे मत रखो, वैसे मत रखो, ये मत करो, वो मत करो। चलिए मास्क, सबसे पहले सिरम लगाया जाए भाई साहब। ये मिल गया, भर गई है, बंद कर रही हूँ भाई मेरा कान है। मोटर बंद किया जाए। अभी मशीन में लगा है पापा का कपड़ा वॉश होने के लिए। जब वो वॉश हो जाएगा ना, थोड़ा सा बाकी रहेगा, तब उसी में मैं ये भी डाल दूंगी। सेमी ऑटोमेटिक का फायदा है, जिस कपड़े को 2 मिनट वॉश करना हो वो भी धुल जाता है, जिस कपड़े को 1 घंटे वॉश करना हो वो भी धुल जाता है। सिरम लगाते वक्त पता है सबसे ज्यादा ना इधर लगाना पड़ता है, क्योंकि इधर सबसे पहले स्प्लिट एंड्स होता है। बहुत खर्चे हैं भाई साहब लंबे बालों में, बहुत खर्चे हैं। लोगों को लगता नहीं है, छोटा बाल बहुत अच्छा है, बट जिन लोगों ने कभी छोटा रखा नहीं है ना, उनके साथ मुश्किल है। उनको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, उनको अडॉप्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है आई थिंक। मतलब मैंने कभी छोटा नहीं रखा है, तो मुझे अब कोई कहे छोटा रखने का तो मेरे से नहीं होगा। आप लोगों में से कितने लोगों ने ओलंपिक्स को फॉलो किया है, सारे मैचेस देखे हैं, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मैंने मैचेस तो नहीं देखे थे, बट हाँ मैंने सब गेम्स की न्यूज जरूर देखे थे। और सच में ये बहुत प्राउड मोमेंट था हमारे लिए कि इंडिया को 41 इयर्स के बाद कोई मेडल मिला है। आई थिंक 1980 में शायद इंडिया को लास्ट मेडल मिला था हॉकी में, और उसके बाद ये 2021 में मिला है। 1948 में जब हमारा कंट्री आजाद हो गया था, उसके बाद 1948 में भी एक उनको मेडल मिला था, और 1980 में जो मेडल मिला था ना वो 8th ओलंपिक मेडल था जो हॉकी में मिला था इंडिया को, और उसके बाद से आज 2021 में मिला है। मतलब कितना बड़ा प्राउड मोमेंट है। आप सब लोग प्लीज सॉरी, आपके जो भी हॉकी के फेवरेट प्लेयर होंगे जाके उनके सोशल हैंडल्स पे जरूर उनको थैंक यू बोलिएगा, जरूर उनको विश कीजिएगा, उनको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि 41 इयर्स मतलब बहुत बड़ी बात होती है, उसके बाद उन्होंने हमारे देश के लिए एक मेडल दिया है, बहुत बड़ी बात होती है। इट्स सच अ ग्रेट अचीवमेंट, तो हमारा इतना तो फर्ज बनता है। मैंने भी पोस्ट किया, आप लोग भी जाके उनके सोशल हैंडल्स पे जरूर उनको विश कीजिएगा, उनको कॉन्ग्रेचुलेट कीजिएगा, और थैंक यू तो जरूर बोलिएगा ताकि उनको अच्छा फील हो। इतना तो हम कर ही सकते हैं उनके लिए, अगर उन्होंने हमारी कंट्री के लिए इतना कुछ किया है तो। मतलब सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पता है क्या, क्रिकेट के लिए ना लोगों को बड़ा पैशन रहता है, खासकर बॉयज तो बहुत पैशनेट रहते हैं क्रिकेट को लेकर, बट हॉकी के साथ ना लोगों का एक एक इमोशन जुड़ा है। हॉकी कहीं ना कहीं हमारे दिल को टच करता है। हॉकी से लोग उतने पैशनेट नहीं है, बट हॉकी हमारा एक इमोशन है। जस्ट लाइक कुछ ऐसा ना कि एक हमारी पैतृक संपत्ति से हम लोगों को बहुत पैशन नहीं रहता है, बट उससे हमारा कहीं ना कहीं कोई सेंटिमेंट जुड़ा होता है, कुछ इमोशनल अटैचमेंट होता है। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से हॉकी का भी हाल है, तो हॉकी भी हमारे लिए ऐसा ही है, मुझे भी ऐसा ही फील होता है हॉकी के लिए। तो मतलब मुझे न्यूज़ देख के बहुत बहुत अच्छा लगा। तो आप जरूर जाके सारे जितने भी प्लेयर्स होंगे या फिर जो भी आपके फेवरेट प्लेयर होंगे, एटलीस्ट उनके सोशल हैंडल पर उनको जरूर विश कीजिएगा, उनको बहुत अच्छा लगेगा। ये साथ अभी मेरा बाहर से खेल कर आ रहा है और आके बोलता है घूम आया। क्या करके आया हो बेटा, क्या करके आए हो? स्कूटी घुमा आया है अपना। अच्छा, मम्मा को थोड़ा प्यारू कर दो। पकड़ के गए थे, मम्मा को थोड़ा प्यारू कर दो। मम्मा को तो लेकर नहीं जाते हो, खुद से चले जाते हो अकेले अकेले। पानी, हैंडल पानी में चला गया था। गाड़ी का हैंडल पानी में। अच्छा, सार्थ का ये फेवरेट टी शर्ट है, जब भी सार्थ को बाहर जाना होता है। बेटा मम्मा का बुके छोड़ दो। जब भी सार्थ को बाहर जाना होता है तो सार्थ ये टी शर्ट पहन के जाएगा। अभी आया है, ये वॉश हो जाएगा और फिर कल अगर घूमने जाएगा तो कल ये टी शर्ट पहन के जाएगा ऊपर। हाँ ऊपर, ये यही पहन के इसको बाहर खेलने जाना होता है, पता नहीं क्यों। बचाओ बचाओ बचाओ, अभी हो क्या रहा है तुमको कि बचाओ बचाओ। चलो चलना है, अभी फिर जाओगे खेलने। बाय सार्थ।
अपना काम किया जाए कुछ। साथ फिर से घूम के आया है और फिर मेरे से बोल रहा है मम्मा फिर से फोटो लो। बेटा तो शूज पहन के बेड पे थोड़ी आते हैं। हाँ राम ची ची शूज पहन के कौन आता है बेटा? ची ची ये तो बाहर जाएगा। उधर उधर बेड पर से उधर 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 शूज खोलो शूज खोलो शूज खोलो। शूज पहन के कौन आता है भाई बेड पे? हाँ सार शूज पहन के बेड पे चढ़ गया। हाँ तो पीछे खोल के आया था ना। शूज पहन के बेड पे नहीं आते बेटा? हाँ मम्मा का पेंसिल है, थैंक यू। शूज पहन के आ जाता है बेड पे। मम्मी देखो शूज पहन के बेड पे चढ़ गया था। मम्मी का फेवरेट डिपार्टमेंट कपड़ा। हाँ सार का खुल गया ये, अब ये धुल जाएगा। साथ को कल फिर खेलने जाना होगा बाहर, तब वो फिर यही पहनेगा। पता नहीं क्या है इसमें, जान बसती है जान इसमें। डॉगी को भगा के आ लो। मुर्गी मौसी का आवाज आ रहा है। इसने कभी टीवी में सुना है मुर्गी मौसी? किसी कार्टून कार्टून वगैरह में कभी सुना होगा, तब से रटता है। मुर्गी मौसी का आवाज आ रहा है। मुर्गी मौसी कहाँ है? गिर गया मुर्गी मौसी। हाँ मुर्गी मौसी गिर गया। शायद कभी जेंडर का समझ नहीं आता है, कोई भी गिर गया हो जाता है, कोई भी गिर गई हो जाता है। रात के 10 बज रहे हैं, आई थिंक 10:15 बज रहे हैं, और आज फिर से लाइट खराब हो गई है शायद ट्रांसफार्मर के पास से। सब लोगों के हाथ में हैंड फैन आ गया। चलिए मैं सबको दिखा। ये रही मेरी नानी, इसके हाथ में भी हैंड फैन। ये रही मेरी मम्मी, इसके हाथ में भी हैंड फैन। और ये आवश्यकता ही आविष्कार की जननी। अभी हैंड फैन मिल नहीं रहा था कोई, तो ये कार्टन फाड़ के हम लोग बना लिए। और ये बहुत अच्छा हवा कर रहा है। कैसा हवा कर रहा है सार्थ ये? और सबसे ज्यादा मजा सार्थ को है। एक इंसान हवा खाने वाला है और दो इंसान हवा करने वाला। एक इंसान हवा खाने वाला है और दो इंसान हवा करने वाला है। बताओ इतना मजा कहीं और मिलेगा? मेरे पे पसीना, कोई हमको भी हवा कर दो यार। सार्थ तुम्हारा सुख छीना गया। सार्थ तुम्हारा सुख छीना गया। देखो माँ और माई दोनों मम्मा को पंखा कर रही है। देखो तो भाई चाय चढ़ाए हैं। हम लोग बिजली बचाओ मिशन पे, ताकि इन्वर्टर हमारा डिस्चार्ज नहीं हो और हम लोग जब सोने जाए तब पूरी रात हम लोग फैन चला सके। देखो देखो नानू को भी हवा लेने दो, थोड़ा सा नानू को भी हवा लेने दो। देखो नहीं क्या दिख रहा है, माँ पंखा कर रही है, हवा कर रही है नानू को। नानू को गर्मी लग रहा है। माई की तरफ घुमा दे, देखो माई हवा कर रही है। माई तो मम्मा को हवा कर रही है। अच्छा मासू की तरफ घुमा दे। मासू तुम क्या कर रही हो? मासू हवा हुआ नहीं करी, मासू बैठ के हवा खा रही है। हाँ टीवी की तरफ। भाई साहब रात के 11:30 बज गए, लाइट नहीं आया हमारा, लेकिन बारिश खूब हो रही है, एकदम तेज पीट पीट की बारिश हो रही है। आवाज सुनाई दे रहा है आप लोगों को? खूब बारिश हो रही है, एकदम पीट पीट के, एकदम पीट पीट के। एनर्जी सेविंग मोड में हम लोग इन्वर्टर चला रहे हैं, ताकि रात में फैन चला सके टीम। दिखाई तो माउथ में क्या है? साठ के माउथ में क्या है? डंडा। आ कीजिए तो ये गेम्स का नहीं तो। मासू बोल रही विजडम टीथ हो रहा है आपको। विजडम आ गया, विजडम आ गया सार्थ। नॉटी टीथ वो तो मेरे आगे आ चुका था ना मासू, वो तो जब मैं बनारस गया था तभी आ गया था। अभी मैं इस व्लॉग को एडिट कर रही थी, तभी मुझे ध्यान आया कि मैंने इसकी एंडिंग तो की ही नहीं थी। कल रात में लाइट चली गई थी, वो तो आपने देखा ही था। इन्वर्टर हमने काफी बचा बचा के यूज किया था, ताकि सोने में दिक्कत नहीं हो, सबको सफिशियंट फैन मिल सके, क्योंकि 3 कमरे में फैन चलाना होता है। बट थैंक गॉड रात के 2 बजे के अराउंड, 1:30 या 2 बजे के अराउंड लाइट आ गई थी और हमने मजे में एसी चला लिया था और अच्छे से सोए थे। तो फिर उसके बाद मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने व्लॉग एंड नहीं किया। अभी जब मैं एडिट कर रही थी तब मुझे ध्यान आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइस। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर अगर नए मेरे ब्लॉग्स अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मुझे बेल का बटन को टिंग 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 करके हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले ब्लॉग्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मैं मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। खूब खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। बाय बाय बाय।